ଗାଡ଼ିରେ ରେଗର ସେ ଆସେ ନେଇ ଗଲେ ଗାନା ସେ ଓକେ ହଁ ଥୋଡ଼ା ଟାଇମ ଲେନା ପହିଲେ ଲଡ଼କି ହେ ମେହନା ପହିଲେ ମେହନା ପେ ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେହନା ତମେ ନା କୌଣସି ଦେ ଯାରେ ଲେଫ୍ଟ ହେ ରାଇଟ ଓକେ ଓକେ ୟା ତୋ ହୋଟେ ଯା ସକତେ ହେ सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतने अच्छे शो का मैं भाग्य बन सका. और जैसा कि आपने बताया कि जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म भी होती है. जब ये शो शुरू हुआ था तब बहुत एक्साइटमेंट थी. अब जब ख़त्म हो रहा है थोड़ी सी मायूसी है, थोड़ा सा दर्द है, लेकिन हम बहुत सारी मेमोरीज़ लेकर साथ जाएँगे. और जैसा कि आप लोग जानते हैं आज नाच गाने के साथ इसकी एंडिंग हो रही है, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट है अभी भी. देखिए मैं तो एक्चुअली बहुत टाइम के बाद इस शो में आया हूँ. मैं स्कूल ट्रैक में था, लोचन सर का कैरेक्टर प्ले कर रहा था. अब तो स्कूल कॉलेज सब खत्म हो गया है, ये लोग पारिवारिक ज़िंदगी में आ गए हैं, तो मुझे पता नहीं है कि क्यों इन लोगों ने ये स्टैंड लिया है. लेकिन आई थिंक अगर फैंस ने चाहा और अगर पब्लिक ने चाहा तो सेकेंड सीज़न आ सकता है, उम्मीद करते हैं. एंड आई होप कि हम लोगों को वापस ले आया जाए. बहुत अच्छी मेमोरीज़ रह गई है सारे स्टूडेंट्स के साथ और जो पेरेंट्स बने थे सबके साथ. बाकी के हमारे प्रोफेसर क्रू आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसकी वजह मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी दोस्ती बनी है यहाँ पे इस सेट पे. और आई एम श्योर कि शूटिंग के बाद भी ये दोस्ती बरकरार रहेगी. मतलब ये ऐसा इमोशन है जो मैं आपको शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अभी शो जा रहे हैं और किसी को भी अच्छा नहीं लगता. और हम सबके लिए बहुत स्पेशल था ये शो, इसलिए नहीं कि हम इसका एक पार्ट थे, क्योंकि शो बहुत अमेजिंग था और सब ने बहुत पसंद दिया, बहुत प्यार दिया हमें. और आज उसी रीज़न से हम लोग इतने सारे एपिसोड्स बना पाए ब्यूटीफुल से, जो सब आपको पसंद आया, आपके दिल को छुए. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आई एंजॉयड स्कूल वाला पूरा चंक, कॉलेज वाला भी, और उसके बाद जो शादी वाला भी ठीक था. अब चूँकि मेरी शादी नहीं हुई है तो मुझे थोड़ा सा वो उसमें एक्टिंग करनी पड़ी. जैसे स्कूल और कॉलेज में बहुत रियल था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हर एक लड़की की कहानी या हर एक लड़की की कहानी कहीं ना कहीं मिलती जुलती होती है. बट शादी तक भी संभाल लिया मैंने, जब बच्चा हुआ तब मैं मुझे कोई भी वो इमोशन आ ही नहीं पा रहे थे मुझे, क्योंकि मैंने कभी वो एक्सपीरियंस किया नहीं, रियल लाइफ में कभी पापा बना नहीं. तो यार उम्मीद बहुत डिफिकल्ट था. पंडित आप क्या बोलना चाहोगे, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर? मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगा मेरे को बैगी पैंट्स पहनने को, बहुत लूज होती थी. और मतलब स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम पूरा एक्सपीरियंस किया. रिसेंटली मैं भी स्कूल से आया था तो मैंने पूरा रिलिव किया अपना, बट 90s में किया, तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. यार हमारे शो में एक फ्रेंडशिप की जो वैल्यू दिखाई है, जो लव की वैल्यू दिखाई है, वो बहुत अमेजिंग थी. और ऐसी कोई एक चीज़ नहीं जो हम मिस करेंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं मुन्ना पंडित से बहुत टाइम के बाद मिला, तो वो एक इमोशन होता है जो आप जाहिर नहीं कर पाते हो, बट आप सिर्फ फील कर सकते हो. तो मैं कल वो फील कर रहा था, क्योंकि बीच में चले गए थे तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था. तो हाँ, इमोशनली भी हम कनेक्ट थे, तो वो ऑन स्क्रीन पर भी दिखता था. तो दोस्ती, प्यार, फैमिली, सब अच्छा अच्छा चीज़ें हमने दिखाई हैं हमारे शो में, और हमें खुद भी सीखने को मिला है. अच्छा, आपका पहले होता था क्या? हाँ, एक्चुअली बहुत मोमेंट्स हैं एग्जैक्टली, बट एक जो मोमेंट, वन ऑफ देम मैं जो मिस करूँगा, हमारा बाइक राइड करना तीनों का. सो मैंने ये शो मेरे बर्थडे पे स्टार्ट किया था, 8th of June 2017, और हम एंड कर रहे हैं आशी के बर्थडे पे. तो देर इज़ समथिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो
इस तरीके से वियर्ड है, तो शायद कुछ लिखा है कड़ी से कड़ी मिल रही है, और हमारी जोड़ी भी लोगों ने इतनी पसंद की है, सो आई डोंट नो यार। सो आई हैव नो आइडिया सीज़न टू के बारे में ज़्यादा डिटेल में, हाँ बट मुझे इतना पता है जितना आपको पता है कि दे आर प्लानिंग फॉर सीज़न टू। अब वो सीज़न टू स्टोरी कौन से ईयर की है, 1990 की है, 1980 की है, 1970 की है, वो मुझे नहीं पता है अभी, और क्या लव स्टोरी होगी, क्या कैरेक्टर्स होंगे वो भी नहीं पता है, बट हाँ दे आर प्लानिंग फॉर सीज़न टू। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, शायद आपके प्यार और आपके सपोर्ट से हम इतने सारे एपिसोड्स नहीं बना पाते, और जितना प्यार मैंने फील किया, आई डोंट थिंक कि मेरे और भी दोस्त हैं जो और भी टीवी शोज़ करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आई डोंट थिंक कि उनको भी इतना प्यार मिलता है जितना हमें मिला है, और सिर्फ समीर नैना को नहीं, ये एक ऐसा शो था जिसमें सारे कैरेक्टर्स बड़े हिट थे, मतलब कैरेक्टर्स तो पता नहीं हमें नहीं बोलना चाहिए, इस शो में एक हीरो नहीं था, सभी हीरो थे, या एक हीरोइन थी, सभी हीरोइन थी। मुन्ना पंडित फॉर श्योर, वो मेरे ही नहीं है वो, आई थिंक आप किसी से भी ये सवाल पूछेंगे तो वो, उसको थोड़ा सा काम था सो चला गया था, लेकिन आज फुल ऑन मस्ती वाला है, हम डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, स्कूल में आए, रीयूनियन है हमारा, हम सारे दोस्त मिले हैं, तो फुल ऑन फन है, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, नाच के गा के एक दूसरे से मिल के। आज आज की सीक्वेंस का छोटा सा टाइटल देंगे, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। आई हैव नथिंग मच टू से, बट आई एम नर्वस, आई एम एक्साइटेड, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ टीवी में ही देखा है, बड़े पर्दे पे एटलीस्ट अपने आप को देख लूँगा तो वो मुझे फील करने के मैं दिखता कैसा हूँ, तो पहला छोटी सी ख्वाहिश है मेरी बस, मुझे देखने के मैं दिखता कैसा हूँ बड़ी स्क्रीन पर। सो आई नथिंग मच टू से, थैंक यू सो मच, थैंक यू।